ठेले पे खड़े होके बहता हुआ गोला गंडा खाया कभी? यस 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 गिर रही है, हर तरफ गिर रही है, पूरी कभी फिल्म में अगर हीरो और विलन का डबल रोल हो तो आप हीरोइन किसको लेना चाहेंगे? यानी हीरो और विलन दोनों आप हैं तो हीरोइन कौन होगी? मायरा खान, मैं विशयात, माया अली या आप कोई? मैं विशयात के साथ करना चाहेंगे। ओके जी। किसी ऐसी जगह डिनर पर गए जहां मेन्यू कार्ड देखकर कुछ समझ नहीं गया क्या लिखा और मंगवाना क्या है। आप किसी बहुत लेविश रेस्टोरेंट में चले जाएं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती फिर आप बोले ये है क्या भाई लिखा हुआ? तो आते हैं तो इतना सा कुछ होता है, कोई ब्रोकली के साथ रख देते हैं, एक डिबिया बनाई हुई होती चीज की, बस ये खाओ। यार ऐसे थोड़ी होता है, हम जितना खाते हैं ना बेटा, जिनको पता नहीं है आपको पता नहीं अभी। प्यार या पैसा? पैसा पैसा। ओके। रोमांस या कॉमेडी? रोमांस या कॉमेडी? कॉमेडी। सिंगिंग या एक्टिंग? नहीं यार ये नहीं एक 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 बता दो। देखिए अच्छा चले इसको इस तरह से देखिए, बोल दे एक्टिंग में सिंगिंग, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म, उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो सुर है। सुर तो गायकी पहले, गायकी पहले और उसके साथ फिर। वाह वाह क्या अच्छी बात है। सेट से मोबाइल चोरी हो जाए अगर आपका, तो पहले जहन में किस सेलिब्रिटी का नाम आएगा, किसने चोरी किया? यार सेट पे मेरा चार्जर चोरी हुआ था, जो कि कोई 10-12 हज़ार रुपए के चार्जर ही था। चार्जर हाँ, तो वो चोरी हो गया था, मैं तब भी कुछ नहीं कह पाया किसी को। आप सेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते किसी पे। मोर लाइक अ फैमिली प्लेस, पता है वो, आप पूरा दिन साथ उनके होते हैं। किसको क्या कहेंगे, किसने उठाया होगा? क्या अच्छा लगता है, नाजरीन को हंसाना या रुलाना? मुझे रुलाना अच्छा लगता है। देखिए उसके पीछे एक लॉजिक है मेरी, कि रफाकत अली खान साहब के वालिद साहब से जब उन्होंने, रफाकत साहब एक फंक्शन कर आए, तो उस महफिल में से आने के बाद उनके वालिद साहब ने पूछा कि कैसा रहा। उन्होंने कहा बड़ी वाह वाह हुई, बड़ी दाद पड़ी और बड़ी तालियां हुई। और उन्होंने कहा किसी की हाय निकली थी? उन्होंने कहा कि हैं, वो कहते हैं कि दाद जो है, अगर मैं ताली बजा रहा हूँ ना, साथ वाला भी बजाना लग जाएगा। हाँ। मैं कहूँगा वाह 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 साथ वाले, हाँ हाँ हाँ। हाय जो है ना वो आपका एक पर्सनल होता है, इंडिविजुअल से आती है आपके। मतलब अगर किसी की हाय निकलवाई है तुमने तो बस तुम कामयाब लौटे हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के इमोशन को वहां जाके टच कर दूं कि उसका एक आंसू बह जाए, क्योंकि आंसू जो है वो जनरेट करने के लिए एक इमोशन पूरा लगता है, एक जोर लगता है, तो अगर मैं वो निकलवा पाया तो इसका मतलब है कि मेरा काम पे और था। वाह बहुत अच्छे। अगर खूबसूरत लड़की इनमें से कोई एक बात मनवाना चाहे आपसे तो आप क्या मानेंगे? सेल्फी बनाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे, नंबर देंगे? ये नंबर वाली फ्रैंकनेस से मेरी अब जान जाती है। मेरी तो जो व्हाट्सएप की डीपी है उस पे लिखा हुआ है कि मुझे कॉल मत करें, मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर दें या मैसेज कर दें, मुझे फोन पे बात नहीं होती मुझसे। तो सेल्फी लेके बस अस्सलाम वालेकुम बहन जी, थैंक यू। अच्छा इतनी तमीज की बात नहीं फिर भी। मैंने कहा चलो हुस्न परस्त तो है ना हम। ओके जी। शॉपिंग पर जाते हैं तो पहले क्या चीज खरीदते हैं? जूते, कपड़े, परफ्यूम, सब एक साथ लूट लो, मुझे बहुत शौक है। दही बड़े, बन कबाब या मुर्ग छोले? कराची के बन कबाब, पंजाब के दही बड़े, और लाहौर के मुर्ग छोले। ओके जी। कोई ऐसा सवाल जिसे सुन सुनकर कान पक गए हो? शादी क्यों नहीं कर रहे आप? मेरे कान पक गए हैं। नहीं और उनके कान क्यों नहीं पक रहे ये सुन सुन के कि आपको मैं खुश अच्छा क्यों नहीं लगता? मतलब आप खुश रहना चाहते हैं? मैं खुश रहना चाहता हूं। सिंगल रह के खुश रहेंगे? मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं। वैसे कोई प्लान है कि नहीं अभी नियर फ्यूचर में कुछ? देखिए आई एम नॉट अ प्लानर, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता। आप मुझसे आज सवाल करेंगे आप 5 साल बाद क्या करेंगे, तो आई एम नॉट अ प्लानर। ये करने को होगा शाम में कर लेगा भाई। हां सो आई एम नॉट अ प्लानर, तो ऐसी कोई वो प्लानिंग वाली नहीं होती। आई जस्ट लिव डे बाय डे, सो लेट्स सी खुदा ने क्या लिखा है और क्या कुछ कोई प्लान नहीं किया। ओके जी। क्या आप ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं के मोहल्ले की शादी में कुर्सियां लगाई हैं? नहीं। बिला वजह गली के कोने पे दोस्तों के साथ? नहीं नहीं आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। नहीं कभी भी नहीं, वैसा बच्चा नहीं। ओके ठेले से चाट? मुझे गोलगप्पों का बड़ा शौक था। गोलगप्पे खाए? कराची में पानीपुरी कहते हैं, पानीपुरी गोलगप्पे भी कहते हैं। या तो वो बड़ा शौक था, मैं स्कूल के पैसे बचा के खाने के जाता था, और मैं आज भी इतने गोलगप्पे खा सकता हूँ। मैं अपनी भांजे भांजियों के साथ शर्त लगा के खाता हूँ, मैं बहुत गोलगप्पे खाता हूँ। और ठेले पे खड़े होकर बहता हुआ गोला गंडा खाया कभी? कौन है जो लंबी लंबी छोड़ने का माहिर है? कुछ सीनियर एक्टर्स हैं ऐसे जो मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी भी बात नहीं है यार कि जितनी आप सुना रहे हैं। आप उनसे कुछ भी कहेंगे ना वो अरे हमने किया है। कुछ लोग सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो आपसे पहले पैदा हुए थे, बस। वाह वाह बस उनमें कोई ऐसी बड़ों वाली बात नहीं होती।
तो मुझे लगता है बड़ा बहुत गहरी बात है, बड़ा बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। हो गया, आधी रात को फोन करके अगर कोई लड़की अपना दुखड़ा सुनाए तो आप दुखड़ा सुनेंगे या सो जाएंगे? नहीं भाई, मैंने पहले कहा मेरी व्हाट्सएप डीपी पे लिखा हुआ है, मुझे बार बार वो स्टेटस लगाना पड़ता है, मुझसे फोन पे बात नहीं होती, मुझे कॉल मत। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे एक्चुअली मैं ऐसे मीम्स देखा करता था, लेकिन अब मुझे कॉल आना शुरू होती ना और मैं फिर उसके बंद होने का इंतजार करता हूँ कि बंद हो जाए किसी तरह। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी क्या है? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी ये है कि इट्स ऑल फेक, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। घरों के घर तबाह कर दिए सोशल मीडिया ने, क्योंकि आप वहां पर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, आप जो परफेक्शन दिखा रहे हैं, आप जो कपल गोल्स दिखा रहे हैं, वो सब झूठ है, वो सब फेक है, क्योंकि आप सिर्फ उसमें अपनी खुश और परफेक्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, आप कभी अपने फ्लॉज नहीं फ्लॉन्ट करते। अगर आप वो करेंगे तो यकीनन मुझ जैसे आप जैसे लोग भी उससे सीखेंगे और यकीनन वो रिलेटेबल होगा एक